Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going भाई साहब, टॉप 5 ब्रांड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये ग्लिच बताना चाहता हूँ जो कि अभी तक किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता है और आपके भाई ने इसे सबसे पहले ढूंढा है बिना कोई स्कोप को इस्तेमाल किए। भाई आप एटेक्स के स्कोप से भी काफ़ी दूर तक आप एनिमी को स्पॉट कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को शॉर्ट से सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को देखते देखते प्लीज़ मेरे नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर भी सेलेक्ट करना। दोस्तों, पहली जो हमारी ट्रिक है वो काम कर रही है इस वाले शेड वाले हाउस पे। अब कई बार क्या होता है कि लास्ट का जब सर्कल बनता है तो उस सर्कल के अंदर ये हाउस भी आ जाता है। तो यहाँ पे जब आप बैठ जाते हो तो एनिमी क्या करते हैं, आपको एनिमी की लोकेशन नहीं पता होती है तो एनिमी आप पर नेट वगैरह फेंकते हैं और आप नॉकआउट हो जाते हो। अब उनकी लोकेशन पता करने के लिए आपको बस करना क्या है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको मेरी ट्रिक पता ही होगी। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है, अपना कैमरा एंगल ऊपर की तरफ घुमा के वक्त आपको FPP स्विच करनी है और अपना आई बटन को इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हो अंदर रहते भी आप कितनी आसानी से बाहर भी अगर आप चाहो एनिमी को स्पॉट वगैरह कर सकते हो और उन्हें ऐसे ही नॉक एंड फिनिश भी आराम से कर पाओगे। दूसरी ट्रिक हमारी जो काम कर रही है भाई, ये कतई भयंकर ट्रिक है। अब तक चर्च के ऊपर चढ़ पाना अब तक इम्पॉसिबल था, पर आपके भाई ने भी इसे पॉसिबल कर दिया है। बस आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक बाइक चाहिए और बाइक को आपको भगाना है 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड में और आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ आपको ठीक उसी तरह से आना है और फिर यहाँ आने के बाद आपको ठीक यहाँ से भाई बिल्कुल एग्जैक्ट जंप लगाना है और जंप लगाने के बाद आप बिल्कुल ईजी तरीके से बिना कोई डैमेज खाए आप यहाँ पर आ जाओगे। दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप ये ट्रिक अपने टीममेट्स को बताकर उनको भाई बिल्कुल शॉक कर सकते हो और कोई एनिमी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई एनिमी यहाँ पर भी हो सकता है। दोस्तों, कैसी लगी ट्रिक लाइक ज़रूर करना। अब दूसरी ट्रिक की ओर चलते हैं। दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड अगर आप ज़्यादातर खेलते हो और एनिमी अगर आप पर रश करने वाला हो तो आपको बस एक ट्रिक यहाँ पर लगानी है। इस बाइक को आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगानी है और इसको आपको पूरी तरह से भाई ब्लास्ट कर देना है। ब्लास्ट करने के बाद आपका एनिमी जो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकता। ये देखिए मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आपका एनिमी जो है आप भी बाहर नहीं जा सकते। और जब तक आपका एनिमी नीचे से पीक लेगा या फिर वो ऊपर आने की ट्राई करेगा तब तक आप उन्हें बिल्कुल ईजिली नॉक एंड फिनिश दे पाओगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो ना तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये खुद मैंने पहले इस्तेमाल की है फिर आपको बताई है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट ट्रिक की। दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक जो है ना ये यार काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। आपको मिलिट्री बेस के बैक साइड की ओर ये जो जहाज़ मिलता है ना टूटा फूटा हुआ, आपको बस इससे यहाँ पर आने के बाद आपको सीधे यहाँ पे बग्गी कुछ इस तरीके से लानी है। फिर आपको बस यहाँ पर आपको सिर्फ सीट चेंज करनी है और बूम गाइस, सीट चेंज करते ही आप कुछ इस तरीके का बहुत ही कमाल का नज़ारा पाएंगे। दोस्तों, इस ट्रिक से ना यार मैं आपको कहूँ तो आप अपने टीममेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा शॉक कर सकते हो और भाई एनिमी तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि यहाँ पर भी भाई कोई होगा। और दोस्तों, अगर यहाँ पर लास्ट का जोन बनता है ना तो यार काफ़ी ज़्यादा ट्रिक आपके लिए ऑसम होने वाली है। इस ट्रिक को एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही कमाल का ग्लिच है ये, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। भाई साहब, नेक्स्ट ट्रिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा बंदों को नहीं पता होता है। अब एनिमी क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को जानबूझकर छोड़ते हैं और उसके बीच में गैस कैन लगाकर रख देते हैं। जैसे ही आप उस गाड़ी पर एंटर करते हो, उस गाड़ी के अंदर जाते हो तो वो गाड़ी को या तो ब्लास्ट कर देते हैं या तो जैसे ही आप चलते हो तो वो फायरिंग वगैरह करते हैं। अब कोई व्हीकल यूज़ हुई या ना हुई आपको उसका पता लगाने के लिए आपको बस करना क्या है, जैसे ही आप व्हीकल पर बैठते हो आप ऊपर की साइड देखो, डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ है। और ये जो ट्रिक है ये सब पर हर एक गाड़ी पर काम करती है, लेकिन याद रखना आपको अगर कोई गराज हाउस से गाड़ी मिलती है वहाँ पर ये ट्रिक वर्क नहीं करती। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताना कि कौन सा ग्लिच आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और कुछ ये वीडियोस मैं आपको रेकमेंड करता हूँ जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।